अ पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो कहने का मतलब है जो यूजुअल हाइट होना चाहिए उसका, अगर वो उससे बिलो हो, कम हो, कुछ भी कम हो थोड़ा सा, या फिर मतलब मच कम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, बोना बोलते हैं। ठीक है, तो बोना का मतलब समझ गए होंगे आप किसे बोलते हैं हम लोग, जनरली भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं जिसका हाइट छोटा हो रह जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का रहे वहाँ पे हम लोग ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। और आपको पता होगा SSC में प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है अ स्टूडेंट हु आइटली और विथाउट एक्सक्यूज एबसेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। तो वो लोग जो अपने आप को एबसेंट कर लेते हैं, स्कूल में एबसेंट रखते हैं बिना किसी मतलब एक्सक्यूज के, बिना कुछ बोले, बिना बताए, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राउंट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। ठीक है, ये तो हम ये सभी कोई करते हैं, बिना बताए स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल एबसेंट कर लेते हैं। ठीक है, ए पर्सन विथाउट अ सेटल होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव बाय बेगिंग। तो वेंडर मतलब क्या होता है, घूमना, घुमक्कर जिसे बोलते हैं, या फिर बस इधर उधर घूमते रहता है, तो इसे वेंडरिंग क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स क्या करते हैं, वेंडर करते हैं, यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। तो ए पर्सन विथाउट अ सेटल होम, तो जिसका कोई सेटल होम नहीं हो, वो रेगुलर कोई वर्क नहीं हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहता हो और बेगिंग करके अपना जिंदगी जी रहा हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैग्रेंट। ठीक है, तो अगर ऐसे लोग आपको कहीं दिखते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हो, वैग्रेंट। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि जो वोकैबुलरी है वो तो मजबूत हो ही जाएगा, और ये वोकैबुलरी कभी आप नहीं भूलोगे। एक फोर नंबर यहाँ छूट गया, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे। फाइव है हमारा, ए पर्सन एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस। तो कोई भी पर्सन एनिमल और प्लांट जो है, अगर हम वो कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब वो उसका ओरिजिनली बिलोंग, मतलब जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव। जैसे नेटिव पीपल होता है, वो पीपल्स लोग जो वहाँ के नेटिव है, मतलब वहीं से उनका जन्म हुआ है, वहीं पे उनका मतलब इतिहास चला है, वो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नेटिव। नेटिव ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि ये यहाँ का नेटिव फ्रूट्स है, नेटिव लैंग्वेज भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नेटिव मतलब जो है जिसे ओरिजिनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसे हम लोग नेटिव लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, तो जो मैप्स को ड्रॉ और प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टोग्राफर। अब देखो कार्टोग्राफर क्या है, कार्टो तो हो गया रेफरेंस देता है मैप का हमारा। ठीक है, मैप का रेफरेंस देता है ये, और ग्राफर मतलब होता है ग्राफ करना। ठीक है, आपको पता है ऑटोग्राफ, तो ऑटोग्राफ, तो इस प्रकार से ग्राफर मतलब एक रेफरेंस दे देता है आपका, कोई चीज़ को ड्रॉ करना, लिखना। ठीक है, एक सेंस में तो कार्टोग्राफर मतलब हो गया वो जो ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है मैप को। तो कार्टोलॉजी क्या हो जाएगा, मैप और ड्रॉ करने के सीखने की कला को बोलते हैं, स्टडी ऑफ ड्रॉ मैप्स, तो उसे बोलेंगे कार्टोलॉजी। एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, तो एक इनक्लोजर होता है जहाँ, इनक्लोज होता है जहाँ पे हम लोग बर्ड्स को कीप करते हैं, रखते हैं, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं एवियरी। ठीक है, एवियरी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, अब कई बार आप देखेंगे कई जगह पे कि जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, काफ़ी सारे बर्ड्स को, तो उसको इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं क्या, एवियरी। अब एपियरी क्या होता है, एक यही होता है एपियरी, तो एपियरी होता है वो जहाँ पे इसको रखा जाता है, मधुमक्खी बीज को, बीज को रखा जाता है वहाँ, उसको बोलते हैं एपियरी। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों काफ़ी बार आ चुका है। एन इंस्क्रिप्शंस ऑन टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डेज्ड। ठीक है, जो डेज्ड हो चुके हैं, मतलब जो मर चुका है, उसके जो मेमोरी में जो लिखा जाता है इंस्क्रिप्शन, जो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो टॉमस टोन पे लिखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं इपिताप। ठीक है, समाधि लेख, तो समाधि के ऊपर आप देखेंगे काफ़ी जगह पे लिखा हुआ रहता है कुछ कुछ उनके मेमोरी में, उसका नाम या कुछ भी जो लिखा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इपिताप। और ये SSC का सबसे फेवरेट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है, पता नहीं हर एग्जाम में आ जाता है लगभग। पर्सन अगला है हमारा, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, तो जो सेम टाइम में जीता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी। आपको पता होगा हम लोग जब कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब
वो हिस्ट्री जो हमारे साथ साथ अभी चल रहा है उसे हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जैसे कॉन्टेम्प्रेरी पीपल, जैसे अकबर के कॉन्टेम्प्रेरी में कौन था, तो महाराणा प्रताप थे। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब। तो अभी से कोई प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में, जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो इनके कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में कौन है अभी वहाँ पे अमेरिका में, तो वो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। तो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम में। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, मतलब वे देखो आपको दिखा हुआ ऐसा काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हर चीज़ को क्या बोलते हैं, ये तो लिखा हुआ था इसलिए हो गया, ये नसीब में था, ये होगा ही, ये टल नहीं सकता है, हर चीज़ को ले जा कर के भाग्य पे टाल देते हैं कि ये था लिखा हुआ इसलिए हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं भाग्यवादी, इंग्लिश में बोलते हैं फैटलिस्ट। ठीक है, जो एकदम हर चीज़ को आपको, अगर आपका जॉब नहीं लग रहा है तो बोले भाग्य में नहीं था, आपका लग गया, भाग्य में था लग गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैटलिस्ट। अ फैमिली और अंग एनिमल ब्रूट, सॉरी अंग एनिमल्स, तो उसे क्या बोलते हैं ब्रूट, जैसे हर ग्रुप का एक नाम होता है। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है, तो एक हर ग्रुप का एक नाम होता है, जैसे बेबी मतलब होता है गर्ल्स का ग्रुप, फिर जैसे मोब मतलब हो गया एंग्री पीपल का ग्रुप, तो उसी तरह से फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, तो अंग एनिमल्स के फैमिली को जहाँ पे कुछ कई सारे अंग एनिमल्स साथ हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रूड बोलते हैं। ठीक है, ब्रूड यानी कि शिशु जानवरों का झुंड। बकरियों का देखेंगे काफ़ी सारे अगर बकरी जहाँ पे होती है तो उसके जो यंग जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सब एक जगह पे एक झुंड में आ जाते हैं, एक अलग झुंड बना लेते हैं, तो अब वहाँ पे देख सकते हैं ब्रूड। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में ब्रूड। अगला है 12 नंबर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसॉल्व अ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, जो हमारे बीच में जो उलझन है लड़ाई झगड़े का या कोई भी जो कारण है उसे मतलब सॉल्व करने के लिए हम दो पर्सन क्या करते हैं, एक पर्सन को करते हैं अपॉइंट जो उस डिस्प्यूट को सुलझा दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, हम कट करते हैं, आपको दिख जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर मतलब क्या हो गया, वो लोग जो जो दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ख़त्म होता नहीं है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, आपको पता होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबको पता होता है, बुके। ठीक है, इसको प्रनाउंस करना है बुके, कोई बॉकेट मत कर देना, बुके, बुके प्रनाउंस करते हैं। ठीक है, तो बुके जो हम लोग फ्लावर्स देते हैं, इस प्रकार से लगा हुआ रहता है और यहाँ पे फ्लावर्स, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पत्ते उत्ते बोलते हैं बुके। ठीक है, अगला है 14, अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर्स, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैसल्ड्रॉन। ठीक है, कैसल्ड्रॉन बोलते हैं, तो वो एक मतलब एक पैन होता है, एक पॉट होता है जिसको बड़ा सा होता है, उसको रख के उसको मतलब चूल्हे पर रख करके खाना पकाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैसल्ड्रॉन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखो कोई भी किसी प्रकार से कर सकता है, बस सही होना चाहिए। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज ए सर्विंग, सर्विंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्विंग, तो उसे क्या बोलते हैं सर्विंग वेसल की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैसेरोल। कैसेरोल मतलब क्या हुआ, देखो उसमें तो खाना तो पका ही सकते हो, बड़ा भी होगा खाना पका सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में आप उससे खाना सर्व भी कर सकते हो, मतलब परोस भी सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कैसेरोल बोलते हैं। और कैसेरोल किसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, आप देखेंगे एक बड़ा सा इस तरह का होता है जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, कढ़ाई बोलते हैं, तो कढ़ाई समझ लो हो गया ये कैसेरोल, कढ़ाई से हम लोग खाना को सर्व नहीं कर सकते, लेकिन एक इस प्रकार से होता है जिससे खाना को हम लोग सर्व भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे कैसेरोल। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है फ्लावर्स आर लिप्स ओवन टुगेदर इन अ सर्कल सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेप व्रेथ बोलते हैं। ठीक है, जो मतलब फूल का जो माला मृत लोगों के शरीर पर रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं व्रेथ। ठीक है, अब अगला देखते हैं हमारा 16 के बाद आगे, सॉरी 17 से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर एसएससी में एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना आपका न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है। अगला है हमारा अ सिलेंड्रिकल कंटेनर बेल्किंग आउट इन द मिडल ट्रेडिशनली लिखा हुआ है ना, थोड़ा मिट गया, मेड फॉर वुडन स्टेप्स फॉर कीपिंग ऑयल्स बियर ईटीसी,
उसे क्या बोलते हैं, बैरल। ठीक है, तो बैरल मतलब क्या होता है समझो। जैसे देखो कई चीज़ों को रखने के लिए ना, जैसे शराब आदि को रखने के लिए क्या करते हैं, एक बनाया जाता है लकड़ी का, मतलब एक मोटा सा बनाया जाता है इस तरह का, इसमें छेद रहता है, तो उसमें क्या करता है शराब उराब को जो है डाल दिया जाता है ताकि वो बन जाए, तैयार हो जाए, तो उसे हम लोग बैरल बोलते हैं इंग्लिश में। कोई भी चीज़ है उस वहाँ पर आप बैरल का यूज कर सकते हैं उस सेंस में। टू गिव अप द थ्रोन्स, जो थ्रोन्स को गिव अप कर देता है, त्याग देता है। गिव अप मतलब क्या होता है, त्याग देना। तो त्याग, कोई छोटा चीज़ का त्याग नहीं कर सकते आप, आपने एक पेन छोड़ दिया, ये तो थोड़ी त्याग नहीं है। तो ठीक है, तो त्याग किसका किया जाता है, थ्रोन्स मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों का किया जाता है त्याग, छोटे चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो त्याग जिसका कर देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एबडिकेट बोलते हैं। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसे बोलते हैं एबडिकेट, एबडिकेट करना। थ्रोन्स को छोड़ देना मतलब एबडिकेट करना। 18, अ ट्रेड डैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है, मतलब रोका गया, उस पर रोक लगा दिया गया, उसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो अ ट्रेड डैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो लॉ के तहत से रोक लगा दिया गया लॉ के तहत, उसे बोलते हैं इलिसिट मतलब अवैध। इलिसिट मतलब हो गया अवैध, जो कि लॉ के थ्रू प्रोहिबिटेड होता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जिनको कला और मतलब जो आर्ट है कल्चर है उसका कोई भी समझ ना हो, ज्ञान ना हो, हल्का सा भी, उसे हम लोग बोलते हैं फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन मतलब वो लोग जिन्हें आर्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कल्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे फिलिस्तीन। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइंस की दुनिया में खो जाते हैं, तो उन्हें कला कलात्मक ये सब चीज़ों में कितना ज्ञान नहीं होता है, तो फिलिस्तीन लोग बोल सकते हैं उनको। वन हु एम्बैरेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ नेशन, ठीक है, मैरिटर, जो मतलब देश के में अपने आप को देश के लिए शहीद हो जाते हैं देश की सेवा में वॉलेंट्री में, तो उसे बोलते हैं हम लोग मैरिटर। ठीक है, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जिसको कैन नॉट बी अंडरस्टूड, हम समझ ना सकें, उसे हम लोग बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। आपको कॉम्प्रीहेंसिबल मिला होगा बहुत जगह पे दिखा हुआ लिखा हुआ मैथ बुक में, कॉम्प्रीहेंस चैप्टर। तो ठीक है, तो इनकॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जिसको समझा ना जा सके, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्रीहेंसन लिखा होता है मतलब इसको आपको समझना है। ठीक है, अगला है समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, फिट टू बी ईटन मतलब जिसको हम लोग खा सकते हैं, तो जो खाने योग्य है हिंदी में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिबल। जैसे एप्पल्स, पपाया, ये सब क्या है, खाने योग्य है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, एडेबल्स। वन हू हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, वो लोग जो किसी की नीड में हो, अगर कोई चीज आदमी उसका अगर हेल्प करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सैमरिटन। ठीक है, तो सैमरिटन पीपल वो होते हैं जो किसी को अगर आवश्यकता में देख लें कि उन्हें हमारी आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, तो उनकी हेल्प कर देते हैं, उसे हम लोग सैमरिटन बोलते हैं इंग्लिश में। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, तो मतलब जो कोई भी चीज़ आपने इन्वेंट किया है, तो उसको एक आपको मिलता है कि आप उसे सोल कर सकते हैं, आप उसे छुपे रख सकते हैं, आपको उसे बेचना है कि नहीं बेचना है, तो उसे इन्वेंट आपको मतलब यहाँ पे इन्वेंट होगा, डिस्क्राइब नहीं, कोई चीज़ आप डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पे ये तो शायद वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे इन्वेंट करते हैं तो वहाँ पे ये वर्क होता है, उसे बोलते हैं पेटेंट, मतलब आपको एक अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, आपके इन्वेंट किए हैं उस चीज़ का। वन हु इज़ ए ग्रेट लवर्स ऑफ बुक, तो जो बुक्स का लवर होता है उसे क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। फाइल इज ए रूट वर्ड ऑफ टू लव, ठीक है, टू लव का रूट वर्ड है हमारा फाइल। ठीक है, तो फाइल मतलब होता है टू लव, और बिब्लियो मतलब बुक होता है, तो बिब्लियोफाइल मतलब हो गया बुक लवर। अगला है अ फिक्सियस नेम यूज बाय एन ऑथर, तो उसे बोलते हैं सीरोनिम, मतलब एक कोई फिक्सियस नेम यूज कर लिया। काफ़ी सारे ऑथर्स होते हैं जो मतलब एक फिक्सियस यूज है, जब फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन जो मतलब जो स्टोरी होता है नॉवल्स पढ़ोगे, तो काफ़ी सारे ऑथर क्या होते हैं कि अपना नाम यूज ना करके दूसरा नाम से वो लिखते हैं बुक को। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीडोनिम। अगेन यहाँ पे NYM जो है हमारा NYM, ये निम मतलब ये रूट वर्ड है नेम का, तो जहाँ पर भी ये NYM निम आ जाए, इसका मतलब होता है हमारा नेम, तो नेम से वो रिलेटेड होगा कुछ भी हो जाए। अगला है हमारा अ प्लेस वर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोवेन, तो फ्रूट ट्रीज आर ग्रोवेन उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे फ्रूट्स के ट्री लगे हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बगीचा, जैसे आम का बगीचा। ठीक है, तो ऑर्चर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में हम लोग बगीचा बोलते हैं, जैसे गार्डन। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट एर्सनल, ठीक है, ये एर्सनल है, ARSENAL अर्सनल मतलब क्या होता है, जहाँ पे मिलिट्रीज की चीज़ों को या फिर गन्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसे बोलते हैं। 29, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम रेट्रोस्पेक्शन, ये तो वन वर्ड फॉर मेडिज बुक में मैंने ये आपको बताया रेट्रोस्पेक्शन। ठीक है,
मतलब आप किसी, जैसे आपको अभी कोई टेंशन है या कोई चीज़ से आप गुजर रहे हो, तो आप पीछे चीज़ों को याद करते हो कि उस टाइम में ये मेरे साथ नहीं हुआ था, उसके पहले में कितना अच्छा था। तो ये क्या हो गया, आपका रेट्रोस्पेक्शन हो गया, मतलब आप पीछे बैक पास्ट टाइम पे आप चले आए। डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे सेटिस्फाइड ना किया जा सके उसे इनसेटिसेबल बोलते हैं। सेटिसेबल मतलब जो सेटिस्फाइड हो जाता है, जो नहीं होता है उसे इन। यहाँ पे अगेन आपको पता होगा कि इन जो है वो रूट वर्ड है, नेगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब इन किसी के चीज वर्ड के आगे लग जाता है तो वो उसको नेगेटिव मीनिंग बना देते हैं। तो इनसेटिसेबल हो गया, जिसे सेटिस्फाइड ना किया जा सके। अगला है वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो स्लीप मतलब मैं वॉक्स करता है उसे बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। काफ़ी सारी मूवी में भी आप ये देखेंगे कि सोमनाबुलिस्ट को दिखाया जाता है, वो नींद में चलने की बीमारी होती है, वो नींद में चलने लगते हैं, बस उठ के चलने लगेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। बुलिस इज ए रूट वर्ड ऑफ टू वॉक, और सोमना इज रूट वर्ड टू स्लीप, रिलेटेड टू स्लीप, सोमनिज्म, ठीक है, सोमना। अगेन है अ स्टेट ऑफ इंसोमिया भी होता है, जिसमें आपको नींद ना आने की बीमारी होती है उसे इंसोमिया बोलते हैं, ठीक है। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनाबुलिस्ट, और जिन्हें नींद आने की मतलब नींद आता ही नहीं है, बीमारी हो जाता है, वो सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं इंसोमिया। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस इक्विलिब्रियम, ये आप लोग पढ़े भी होंगे हमारे केमिस्ट्री में, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो ये परफेक्ट बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये है कोई चीज़ है दो साइड, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, परफेक्ट बैलेंस है। अगला है हमारा इनऑडिएबल, इनऑडिएबल डैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे हम ना सुन सके उसे इनऑडिएबल बोलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब साउंड्स होते हैं, जो 5000 या शायद कुछ 50,000 हर्ट्ज के ऊपर होते हैं, इनको इंसान नहीं सुन सकता है, तो इस तरह से कुछ होता है, मुझे फिक्स नहीं पता है, उसे बोलते हैं हम लोग इनऑडिएबल, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे, इनकॉरेजिबल। अब देखो यहाँ पे इन का आगे आ रहा है, तो चार आ चुका है इन का, तो आगे इन आएगा तो बता दूंगा आपको इसका रूट। अगला हमारा 35 नंबर, वन हु डज नॉट फायर ईजिली, वो चीज़ जो तुरंत फायर नहीं होता है उसे बोलते हैं इन डेफेटिजेबल, मतलब वो तुरंत फायर नहीं पकड़ता है, ठीक है, लोहा, लोहा को तुरंत नहीं जला सकते, तो वो क्या हो गया, वन हु डज नॉट फायर ईजली। इनकैपेबल ऑफ बींग रीड, जिसको पढ़ाई ना जा सके उसे बोलेंगे इलेजिबल, ठीक है, इलेजिबल मतलब उसको पढ़ना मुश्किल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इन का, ठीक है, काफ़ी वर्ड्स में इन आ गए, हमारा यहाँ पे आ गया इन 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 इन, तो ये इन क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स देते हैं, तो आप देखो यहाँ पे हर किसी में आपका जो है सो नेगेटिव मीनिंग दे रहा हो। इनकेपेबल नेगेटिव मीनिंग, विच कैन नॉट बी हर्ट नेगेटिव मीनिंग, विच कैन नॉट, यहाँ पे भी देखो डज नॉट, तो आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वर्ड पावर मैरिज बुक जरूर पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा इनकेपेबल, देखो इनकेपेबल में भी आ जाता है हमारा इन, ठीक है, तो ये खुद ही एक नेगेटिव, कैपेबल मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, कैपेबल वो कर सकते हैं, लेकिन इनकेपेबल मतलब नहीं कर सकते हैं, तो इनकेपेबल ऑफ बींग रेट, तो उसे बोलेंगे इलिजिबल। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर ट्राइवल, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ही नहीं हो, जिसको कंसिडर करने योग्य नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, उसको कंसिडर किया जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइवल। अगला है हमारा 38, डैट विच कैन बी ड्रॉन इन टू अ थीन वायर, जिसको एक थीन वायर में हम ड्रॉन कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं, डक्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं नमनीय बोलो या तमनीय बोलते हैं, ठीक है, डक्टाइल, से गॉल्ड है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थीन वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेबल टू ब्रेक ईजली, जिसको तुरंत बदल तोड़ा जा सके उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ब्राइटल बोलते हैं, ठीक है, ब्राइटल मतलब तुरंत तोड़ दे, अगर मान लो बालू है उसको भिगा करके आपने कुछ बनाया है, ठीक है, बालू से लड्डू बनाया, ठीक है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, लड्डू बना हुआ है उसको तोड़ना मुट्ठी में लोगे तुरंत टूट जाएगा, शीशा पतला शीशा है तुरंत टूट जाएगा। और एक किसी का देखो सिनोनिम्स यहाँ पे अगला हमारा जो है सो इजली ब्रोकन, मतलब उसको बोलते हैं फ्रेंगल, फ्रेंगल मतलब क्या होता है, वही जिसको इजली ब्रोकन कर सकते हैं सिनोनिम्स से, देखो ब्राइटल का यहाँ पे लिखते भी दिए, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है, तो इस प्रकार से भी आ जाता है, इसलिए सिनोनिम्स भी पढ़ लेना चाहिए। अगला है हमारा इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड, पीछे ही हम लोग पढ़ चुके हैं यहीं पर हल्का पीछे, इनसेटिसेबल। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को जो नापता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ये हम लोग का ज्योग्राफी का चैप्टर का भी है, बैरोमीटर का काम क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा की जो दाब है उसको मापने का कार्य करता है। अगला है हमारा द पार्ट ऑफ अ कंट्री कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, जुडिशरी, जुडिशरी आपको पता होगा न्याय, ठीक है, जुडिशरी न्याय, न्याय का भाग हो जाता है, ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और फिर कितने है? तीन है ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीन, तो जुडिशरी ये हो गया, ठीक है, इसे
लो जहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये लो वाले क्षेत्र जितने भी उनको जुडिशरी में रखा जाता है, ठीक है। जो अगला है वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, तो जो दो लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकता है उसे बोलते हैं बाई लिंगुअल। अगेन यहाँ पे हमारा बाई जो है वो क्या है, रूट वर्ड है टू का रूट वर्ड है, और जो लिंगुअल है ये क्या है, लैंग्वेज का। इसी प्रकार से लिंग्विस्ट होता है, तो लिंग्विस्ट मतलब होता है जिनको काफ़ी सारे लैंग्वेज आते हैं, मतलब पॉलीलिंग्वी बोल सकते हो, और ठीक है उसका सिनोनिम से लिंग्विस्ट। तो लिंग्विस्ट है वो जो इनके जिनको काफ़ी सारे लैंग्वेज आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी, एंड वीडियो कैसा लगा आपका।